फ्रेंड्स, मैं प्रीति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति मैजिक कुकिंग में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं अपने कुकिंग के वीडियो कैसे शूट करती हूँ, सारा कुछ आपको मैं आज बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं अपने इंट्रो के वीडियो जब भी बनाती हूँ मैं इसी जगह पे बनाती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ यहीं पे बनाने का, क्योंकि यहाँ पे ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है मुझे। और दोस्तों, अगर आप जब भी वीडियो बना रहे हो तो आप जब इंट्रो दे रहे हो तो आपका जो आई कांटेक्ट हो वो बिल्कुल आपके लेंस पे, यानी जो आपका मोबाइल का कैमरा है उस पे होना चाहिए। मेरे पास बस सिर्फ मोबाइल है, दो मोबाइल्स हैं जिससे मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, एक यहाँ पे जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और मैं आपको बताऊँगी, और दूसरा वहाँ पे। मोबाइल से ही एडिटिंग करती हूँ, मोबाइल से ही वीडियो शूट करती हूँ, सारा कुछ मोबाइल से करती हूँ, जैसे कि मेरे पास कैमरा नहीं है। और मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, और मेरे पास एक ही ट्राइपॉड है, मैं उसी ट्राइपॉड से वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने किचन, मैं आपको बताती हूँ किचन में मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ, रेसिपीज की वीडियो कैसे बनाती हूँ। मेरा किचन है, मैंने अपना किचन आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये जैसे किचन के बर्तन हैं, तो यहाँ से मैं अपने गैस को ऑन करती हूँ, फिर यहाँ पे मैं जो भी रेसिपीज़ हैं वो बनाती हूँ। और जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे हैं, रेसिपीज़ बनाने टाइम बहुत सारी आवाज़ नॉइज़ आती हैं, तो ये नॉइज़ को मैं डाल नहीं सकती, तो इसकी मैं कैसे एडिटिंग करती हूँ मैं आपको भी बताऊँगी, और मेरा ट्राइपॉड भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसी मोबाइल में पहले जो मोबाइल से अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है उस मोबाइल में ही वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, और उसके बाद इस मोबाइल में मैं अपने वॉइस को डालती हूँ, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते होते हैं तो काफ़ी आवाज़ होती हैं तो वो वीडियो में आ जाती हैं, तो इसलिए मैं बाद में इसमें वॉइस डालती हूँ अपनी, और फिर वॉइस ओवर करती हूँ उसमें, मैं अपने वॉइस को डालती हूँ इस मोबाइल पर यूज़ करके, और एडिटिंग भी मैं अपने मोबाइल में करती हूँ। यहाँ पर मेरा खाना बनता होता है और यहाँ से मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है जैसा कि आप देख रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से मैं इसको सेट कर लेती हूँ, जैसे कुछ इस प्रकार से ये ऐसे सेट कर लेती हूँ और अपने खाने को यहाँ से बनाती हूँ, तो इस प्रकार से इससे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। और जैसा कि बहुत नॉइज़ होता है यहाँ पर, बहुत लाउड होता है, खाना बनाने में बहुत सारे नॉइज़ आते हैं, तो मैं जो भी उनको इग्नोर करना चाहती हूँ नॉइज़ को, उसको मैं अपने दूसरे मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग करती हूँ वॉइस को बाद में उसमें डाल लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने वीडियोस के जो भी थंबनेल के जो फोटोज होती हैं मैं उनको कैसे क्लिक करती हूँ, तो वो वाले पार्ट मैं आपको यहाँ पे करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। मेरा जो ये टेबल है, टेबल का जो फिनिशिंग है ये शीशे का है, इस तरह का है, तो मैंने एक ऐसा बोर्ड रखा हुआ है, इसको मैं, ये आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ, तो इसका बेस कल दिखता है मुझे, तो ये थंबनेल में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, जो भी आप फूड यहाँ पे डालते हैं और ऐसा आपको उसका बैकग्राउंड दिखे तो आपको वो जो भी है आपका थंबनेल वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। जो भी मुझे थंबनेल बनाने होते हैं मैं यहीं पर बनाती हूँ। जो हमारा फूड का रेसिपीज़ के जो भी वीडियो होते हैं उसमें जो भी खाना हमें दिखाना होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसे मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, मैं वो अपने टेबल पे ही ले जाती हूँ, वहीं पे उसकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, बाद में उसको जो भी एडिटिंग होता है वो करती हूँ। मैं ज़्यादातर उसका इसका बेस काफ़ी अच्छा लगता है, तो जो भी थंबनेल वगैरह बनाने होते हैं मैं इस टेबल पर आके बनाती हूँ, मेरे टेबल का बेस ऐसा ही है, तो इसलिए मैं ये कार्डबोर्ड का यूज़ करती हूँ। कभी मैं इंट्रो यहाँ पर बैठ के बनाती हूँ अपने सोफे पे, जैसा आपने देखा होगा, क्योंकि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्यू, तो मैं यहाँ पे भी इंट्रो कभी कभी बनाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी मेरे आई बटन में मैं कुछ वीडियो शेयर करती हूँ उनको भी आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल के साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही आपको आने वाली नए वीडियोस जो भी मैं बनाऊँ आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ आप सभी से मेरे आने वाले नए वीडियो में।